दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं और आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और कोई भी बंदा आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है या फिर आप किसी को मैसेज करते हैं और उसके बाद में आप उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं तो आपको पता नहीं चलता या फिर सामने वाले बंदे को पता नहीं चलता है कि आपने कौन सा मैसेज सेंड किया था या फिर वो बंदा आपको कौन सा मैसेज सेंड किया था। दोस्तों आज हम आपको यही ट्रिक सिखाने वाले हैं कि अगर आपको कोई मैसेज करता है और वो मैसेज को डिलीट भी कर देता है तब भी आप उसके मैसेज को रीड कर पाएंगे बिना किसी एप्लीकेशन के। आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पर ही रीड कर पाएंगे और ये आपका जो ट्रिक है ये 100% काम करने वाला है। दोस्तों बस आपको थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास करना होगा और आपको हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा तभी आप जाकर के सीख पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी और ये ट्रिक आपने अप्लाई करने की कोशिश भी किया होगा लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, ये ट्रिक काम नहीं की होगी जो बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन YouTube इतिहास में पहली बार मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा और ये ट्रिक आपको 100% काम करेगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर स्क्रीन पर हमारे दो स्मार्टफोन शो कर रहे होंगे। एक स्मार्टफोन मान लीजिए कि ये वाला हमारा है और दूसरा वाला स्मार्टफोन में ये वाला मान लीजिए कि हमारे फ्रेंड का है या फिर आपके फ्रेंड का है, ऐसे आप इसको मान लीजिए। मान लीजिए ये वाला जो स्मार्टफोन है ये आपका है और ये वाला स्मार्टफोन है जो आपके फ्रेंड का है। अब आपको यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ, आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर वो बंदा आपको यहाँ पर मैसेज करता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर चलिए मैसेज करके आपको दिखा रहा हूँ, लाइव चीज़ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हाय लिखता हूँ और जैसे मैंने हाय लिखा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है, आपने यहाँ पर देखा हाय का यहाँ पर मैसेज आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने यहाँ पर हाय लिखा था जो यहाँ पर मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो और आपको मैं दिखा, तो जैसे मैं यहाँ पर हेलो लिखूंगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हेलो लिखा और यहाँ पर सेंड किया तो ये मैसेज सेंड होकर के यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस मैसेज को मैं यहाँ से अगर मैं चाहूँ इसको डिलीट कर दूँ या फिर ऐसे आपका कोई फ्रेंड होता है जो डिलीट कर देगा, ऐसे यहाँ से सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट पर, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है डिलीट फॉर एवरीवन। अगर यहाँ पर ये कर देता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने हेलो लिखा था यहाँ पर डिलीट हो चुका है। आप यहाँ पर अब रीड नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि वो बंदा आपको कौन सा मैसेज उसने किया था और आप यहाँ पर जब देखेंगे कि आपको यहाँ पर शो करेगा कि उस बंदे ने मैसेज करने के बाद डिलीट कर दिया तो आपका कहीं ना कहीं दिल करता है कि आप उस मैसेज को जान पाएँ कि वो बंदा कौन सा मैसेज किया था। तो चलिए अब आपको ज़्यादा देर करते हुए आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये ट्रिक काम करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिले, अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर अच्छे कंटेंट आपको मिलते हैं, आपको यहाँ पर एक सही तरीके बताए जाते हैं, तो हमारी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और इंडिया में आप किस जगह से हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं जिससे मुझे लगे कि हाँ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं किस किस जगह से हैं, तो प्लीज़ आप इतना काम कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और आपको मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर जान लीजिए कि ये वाला व्हाट्सअप आपका है और ये व्हाट्सअप आपके फ्रेंड का है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लियो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कैसे हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया कैसे हो आप यहाँ, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कैसे हो और यहाँ पर मैंने सेंड किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है कैसे होगा। ऐसे ही आपके फ्रेंड और भी कुछ मैसेज कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हो कहाँ हो या फिर क्या कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पर वो लिख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर सेंड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उनका मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैसेज आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर वो बंदा डिलीट कर देता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस बंदे ने आपको कौन सा मैसेज किया था या फिर कौन सा मैसेज उसने सेंड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर वो कर देगा डिलीट फॉर एवरीवन तो यहाँ से सारे मैसेज डिलीट हो चुके हैं, यहाँ पर नहीं शो कर रहे हैं। अब आपको चलिए लेकर के चलता हूँ डायरेक्ट ट्रिक पर, बताता हूँ कैसे आपको ये काम करेगा। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये आपके फ्रेंड का दोस्त का किसी का भी ये आपका स्मार्टफोन हो सकता है, ये आपका स्मार्टफोन है और यहाँ पर ये बंदा इससे मैसेज करता है और आपका मैसेज जो है डिलीट हो जाता है, आप रीड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर करना होगा क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना ये वाला स्मार्टफोन लेना है और इस स्मार्टफोन को लेने के बाद आपको यहाँ से बैक खोल लेना है। बैक होने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको यहाँ पर सर्च करना है हिस्ट्री। आप यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से जैसे हिस्ट्री लिखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नाम से आपको यहाँ पर देखने के लिए आ जाता है।
आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर मैसेज किया था और यहाँ पर मैंने सेंड किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैसेज सारे के सारे मैसेज यहाँ पर शो कर रहे हैं, और जो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है यहाँ पर ये मैसेज इस प्रकार से यहाँ पर ये आ रहे हैं। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री लिखी हुई ना, आपको इसको क्या करना है, इस प्रकार से ऑफ होगा आपका, तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इसको ऑन कर लेंगे तभी से आपका ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ से हम बैक खोल लेते हैं, और बैक खोलने के बाद अब मैं चलिए आपको लाइव करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये काम करता है या फिर नहीं करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो दोनों स्मार्टफोन है आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप को भी ओपन कर लिया है। आपको चलिए ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि जो ये ट्रिक है ये काम करता है या फिर नहीं करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब ये वाला जो आप देख सकते हैं स्मार्टफोन है, जो यहाँ पर ये आपका ये वाला आपका स्मार्टफोन है या आपका फ्रेंड का स्मार्टफोन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड यहाँ पर कुछ लिखता है, हाय लिखता है, और यहाँ पर हाय लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप हाय आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये बंदा ऐसे इसे इस प्रकार से यहाँ से डिलीट कर देता है, एवरी फोन डिलीट कर देता है इस प्रकार से। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ से बैक खोलते हैं, और बैक खोलने के बाद अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे यहाँ पर सेटिंग में आप यहाँ पर जाते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा, ऊपर ही आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री नाम से जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नाम से आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैसेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, यहाँ पर इस बंदे ने डिलीट कर दिया, यहाँ पर हाय लिखा हुआ है अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका कोई भी मैसेज है अगर कोई बंदा आपको डिलीट कर देता है मैसेज करने के बाद, तो उसके मैसेज को आसानी से रीड कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।